सिर दर्द एक बहुत सामान्य समस्या है, लेकिन कई बार ये इतना तेज होता है कि बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो जाता है। यूं तो मार्केट में कई तरह की दवाइयाँ अवेलेबल है जो हमारे सिर दर्द में राहत के लिए ले जाती है, लेकिन ज़्यादा मेडिसिन लेना सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। ऐसे में हमारे हेडेक को दूर भगाने के लिए आप होम रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐसे होम रेमेडीज के बारे में जिन्हें अपनाने से आपका सिर दर्द आसानी से दूर हो सकता है। ये उपाय इतने आसान है कि आप इन्हें अपने ऑफिस में काम करते करते भी आजमा सकते हैं। और एक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप अपने दिमाग से सभी बुरे विचार को निकाल दीजिए और शांत रहने की कोशिश कीजिए। इससे बार बार आपको सर दर्द नहीं होगा। सालों से लोग सिर दर्द में राहत के लिए एक्यूप्रेशर का प्रयोग करते आ रहे हैं। सिर दर्द होने की स्थिति में आप अपनी दोनों हथेलियों को सामने ले आइए। इसके बाद एक हाथ से दूसरे हाथ के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच की जगह पर हल्के से हाथ में मसाज कीजिए। ये प्रोसेस दोनों हाथों में 2 से 4 मिनट तक रिपीट कीजिए। ऐसा करने से आपको हेडेक में आराम मिलेगा। उसके बाद आपको नींबू और गर्म पानी का सेवन करना है। अगर आपके पास समय कम है और आप कहीं बाहर है और आपको अचानक से तेज हेडेक उठ गया है तो यह फटाफट से तैयार होने वाला नुस्खा आपके बहुत ही काम आ सकता है। इसमें आपको करना बस ये है कि एक गिलास में गर्म पानी लेकर उसमें नींबू का रस डालकर पीना है। इससे सिर दर्द में राहत मिलती है। कई बार पेट में गैस बनने से भी सिर दर्द होता है। उसके बाद आपको सेब पर नमक डालकर खाना है। हाँ, पता है आपके घर में सेब अवेलेबल नहीं भी हो सकता है कभी कभी, तो आप ऊपर वाला नुस्खा भी ट्राई कर सकते हो। अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी आपका सिर दर्द जाने का नाम नहीं ले रहा है तो एक सेब काट ले और उस पर नमक डालकर खाए। हेडेक में राहत पाने के लिए ये बहुत ही कारगर उपाय हो सकता है। अगर आपके घर में एप्पल अवेलेबल है तो आप ये नुस्खा ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड उपाय, लौंग की पोटली सूंघे। तवे पर लौंग की कुछ कलियों को गर्म कीजिए। इन गर्म हो चुके लौंग की कलियों को एक रुमाल में बांध लीजिए। कुछ कुछ देर पर इस पोटली को सूंघते रहिए। उसके बाद आप पाएंगे कि आपका सिर दर्द कम हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, तुलसी और अदरक का रस भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तुलसी और अदरक के इस्तेमाल से भी सिर दर्द से निजात पाई जा सकती है। इसके लिए तुलसी के पत्तियों का और अदरक का रस एक साथ मिलाएं। इसके बाद इसे माथे पर लगाएं। वही इस रस को सिर दर्द से परेशान व्यक्ति को पिलाया भी जा सकता है। इससे हमारे हेडेक में काफ़ी राहत मिलेगी। उसी के साथ साथ आपको लौंग के तेल की मालिश भी करनी है। लौंग के इस्तेमाल से भी सिर दर्द को दूर किया जा सकता है। लौंग में दर्द खत्म करने के गुण होते हैं। लौंग के तेल से माथे की मालिश करने से हमारे सिर दर्द में बहुत ही आराम मिल सकता है। नींबू को चाय में मिलाकर पिए। चाय में नींबू मिलाने से भी सिर दर्द में राहत पाई जा सकती है। इसके लिए नींबू को चाय में निचोड़कर पीना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो बहुत सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के मदद से आपके दोस्तों की हेल्प हो सकती है। और अगर ऐसे हेल्थ से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड आपको वीडियो रोजाना चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।